अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योर न्यू एक्टिव इंग्लिश टीचर फ्रॉम जूनियर कैंपस हाई स्कूल. लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. गो टू पेज नंबर 55. पेज नंबर 54 पे जैसा कि आपने पढ़ा कि प्रेपोजिशन फ्रेज क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि प्रेपोजिशन वर्ड जो होते हैं एक शॉर्ट वर्ड होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे हम कहते हैं. ये कम्प्लीट एक सेंस नहीं होती, एक कंप्लीट सेंटेंस ये नहीं होता, बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. उन्हीं को फॉलो करते हुए हम पेज नंबर 55 पे आंसर द क्वेश्चन. क्वेश्चन हमें कुछ दिए हुए हैं, उनके हम आंसर को फॉलो करेंगे. ओके, होल्डिंग अ फिशिंग नेट. फिशिंग, लिसनिंग टू द रेडियो, नीलिंग, रनिंग आफ्टर अ डॉग, स्विमिंग, स्लीपिंग, थ्रोइंग अ बॉल, कैचिंग अ बॉल. फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज द वुमेन ऑन द रॉक डूइंग? द वुमेन ऑन द रॉक इज लिस्निंग टू द रेडियो. हियर द प्रेपोजिशन फ्रेज इज टू द रेडियो. ओके, सेकेंड वन है, व्हाट इज द मैन ऑन द रॉक डूइंग? आंसर है, द मैन ऑन द रॉक इज होल्डिंग अ फिशिंग नेट. ठीक है, सेकेंड वन है, व्हाट इज़ द मैन इन द बोट डूइंग? द मैन इन द बोट इज फिशिंग इन द रिवर. इन द रिवर इज प्रेपोजिशन फ्रेज. व्हाट इज़ द गर्ल इन द बोट डूइंग? द गर्ल इन द बोट इज नीलिंग. इन द बोट क्या होगा इसमें? प्रेपोजिशन फ्रेज. व्हाट इज द बॉय in the water doing? The boy in the water is swimming. What is the preposition phrase? In the water. What is the boy on the sand doing? The boy on the sand is running after the dog. Same as it is, आपने picture को देखते हुए इन questions के answer देने हैं. Okay? Next one है, read aloud. इनको आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है. जैसे है साइलेंट लेटर्स, ये जो कलर्ड वर्ड हुए हैं, ये वर्ड हम जब भी पढ़ते हैं तो ये साइलेंट कह हो जाते हैं, मीन्स इनकी कोई साउंड बीच में नहीं आती. जैसे फर्स्ट वन है क्लाइंब, क्या वर्ड है? क्लाइंब. कॉम, थम, नाइफ, नी, नो, नॉक. ओके, अब आप इनकी खुद प्रैक्टिस करेंगी. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.